इंडिया गठबंधन को पड़ा तमाचा, कलकत्ता हाईकोर्ट के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने पर बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 के इस रण में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर मुखर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा तमाचा मारा है और 2010 से जारी सारे ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। यह इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमान वोट बैंक के लिए मुसलमानों को ओबीसी प्रमाण पत्र दे दिए थे। यह वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति हर हद पार कर रही है। ओबीसी आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है ममता सरकार, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अमित शाह। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार यानी 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह से सर्टिफिकेट जारी करना असंवैधानिक है। मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पूरा मामला मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करने का है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्थगित का आदेश दिया है। झाड़ू को ही वोट करेंगे राहुल गांधी, केजरीवाल करेंगे कांग्रेस को मतदान, दिल्ली के रैली में बोले राघव चड्ढा। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार यानी 22 मई को दिल्ली में एक रैली की। उन्होंने कहा कि हम यानी आप साधारण ईमानदार और पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां मौजूद कांग्रेस के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि उनके नेता राहुल गांधी जब वोट डालने जाएंगे तो झाड़ू को वोट देंगे। रांची में प्रियंका गांधी ने आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस, आप भी देखें कदम और ताल का ये कॉम्बिनेशन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छठे चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार पर लगे हुए हैं। इस दौरान उनके कई रूप देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार यानी 22 मई को झारखंड पहुंची, जहां रांची के एयरपोर्ट पर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक डांस किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, जेडीएस ने दर्ज कराई शिकायत, जाने क्यों कहा कार्रवाई के लिए रहे तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। जनता दल यानी सेक्युलर ने राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने ये शिकायत कांग्रेस नेता की ओर से दिए गए बयान को लेकर कराई, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है। 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, फटाफट तेजस्वी यादव ने खास अंदाज में कही बड़ी बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं चुनावी सभा में दिए गए उनके एक बयान की काफी चर्चा हो रही है। इसको लेकर एक्स पर उन्होंने बुधवार को वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में वो नौकरी के मुद्दे पर नए अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी फटाफट, साथ ही इस चुनाव में बीजेपी के साफ होने की भविष्यवाणी खास अंदाज में कर दी। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने पर मुकेश सहनी का बड़ा खुलासा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये कहा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लेते हुए बुधवार यानी 22 मई को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी ने पत्र जारी करते हुए यह कहा कि पवन सिंह जो काम कर रहे हैं वह दल विरोधी है, काराकाट से वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इस पूरी कार्यवाही पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कुशवाहा पर हमला करते हुए बड़ा खुलासा किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही निष्पक्ष जाँच की बात तो स्वाति मालीवाल बोली मैं इसे। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल केस में कहा कि वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय मिले। सीएम केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया आई है। स्वाति ने कहा कि जिस सीएम के ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, अंततः उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर निष्पक्ष जांच चाहते हैं। हिमाचल में इंडिया गठबंधन ने बढ़ाई सक्रियता, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का किया दावा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की सक्रियता बढ़ गई है। बुधवार को इंडिया गठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बीजेपी और एनडीए को निशाने पर लिया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एनडीए पर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने और जनता के किए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 5 चरणों की वोटिंग के बाद देश का माहौल इंडिया अलायंस के पक्ष में बन गया है। मतदाता प्रदेश में सरकारों को अस्थिर करने वाली बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। देश में परिवर्तन का माहौल बन चुका है।
अमित शाह ने 77 की उम्र पर नवीन पटनायक को रिटायरमेंट की दी सलाह। बीजेपी के सीएम के उम्र के आरक्षण, हिंदू मुसलमान संविधान के अलावा इस लोकसभा चुनाव में कुछ नेताओं की उम्र पर भी दबी जवान खासी चर्चा है। पहले नरेंद्र मोदी और 75 बरस के दावे के मद्देनजर, फिर नीतीश कुमार और उनकी खराब सेहत के हवाले से, और अब नवीन पटनायक पर अमित शाह की एक टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 75 के होते ही रिटायर हो जाएंगे। जेल से बाहर आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिलचस्प दावा कर पहली नजर में भाजपा के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर दी। पार्टी के लिए इसे खारिज करना और स्वीकार करना दोनों ही मुसीबत को आमंत्रण देने वाला था।